जी, जिस तरह आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा, इसके हमने पांच टाइप्स पढ़ी थी। एक हमने कितारी कालब, एक कालमी कालब, एक मुस्तदीली कालब, एक मुरबी कालब और एक जीरो कालब पढ़ा था, सिफी कालब भी उसको कहते हैं। और अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है मनफी कालब। बस ये दो ही फिलहाल करवाऊंगा, एक मनफी कालब और एक है ट्रांसपोज कालब। ठीक है, मनफी कालब अगर आपके पास कोई एक मतलब मैट्रिक्स दिया हो, 1 0 -3 4 या -4 कर ले, और कोई कहे कि आप इसका मनफी कालब निकालें, तो देखते हैं क्या निकलता है। देखिए, प्लस ए था हमने माइनस ए कर दिया, प्लस वन था हमने माइनस वन कर दिया, जीरो की अलामत आप चेंज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो से ही डिजिट नेगेटिव स्टार्ट होते हैं, जीरो से ही पॉजिटिव स्टार्ट होते हैं, इसलिए जीरो एक न्यूट्रल काम करता है। ठीक है, इसके साथ कोई भी अलामत आप नहीं लगाएंगे। माइनस थ्री है, आप इसको प्लस थ्री कर दिया, माइनस फोर है, आपने प्लस फोर कर दिया। अच्छा, मैं आपने किया क्या है, आपने सारी एंट्रीज, सारे एलिमेंट्स की सिंबल्स को उनको चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर आप किसी कालम के तमाम अरकान की अलामतें बदल दें तो जो कालम आपके पास बनेगा उसको मनफी कालम कहते हैं। ठीक है, दोबारा एक दफा फिर सुन लें, किसी कालम के तमाम अरकान की अलामतें बदलने से जो कालम हासिल होता है उसको उस कालम का मनफी कालम कहते हैं। अच्छा, ये करने के साथ साथ आपको बता दूं, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, ये मनफी कालम है, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, उसके बाद कालम का ट्रांसपोज किसको कहते हैं। एक आपके पास कालम ले लें 1 2 3 4, ठीक है, इसके ऊपर छोटा सा टी लगा लें, ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज होता क्या है, देखिए ये कितार है, आपने इसको क्या बना दिया कालम, ये भी कितार है, आपने इसको क्या बना दिया कालम बना दिया। ठीक है, असल में आप लोगों ने किया क्या है, आप लोगों ने कितारों को कालमों के अंदर चेंज कर दिया है। तो इसकी तारीफ क्या बनेगी, अगर किसी कालम की कितारों को कालमों में या कालमों को कितारों में तब्दील कर दे तो जो कालम आपके पास बनता है उसको आप ट्रांसपोज कालम कहते हैं। असल में देखना आपने, ये है 1.2 का क्वेश्चन नंबर आपने 5 अबाउट ट्रांसपोज, वो भी आपने खुद ट्राई करना है। आपने करना क्या है, सिर्फ कितारों को कालमों में तब्दील कर देना है और कालमों को कितारों में तब्दील कर देना है। सेम यही पे आपने करना है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 1.2 का, वो भी ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 और 5। तो ये डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो आप जरूर करके देखिएगा, ताकि हमें 1.2 जो है वो करने की जरूरत ही ना हो। अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह यहीं से अगर आपको समझ आ गया तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है। आपने करना क्या, उसमें ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी वो कह रहा है कि एक बार एक कोई एक आपके पास मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है और दोबारा फिर ट्रांसपोज लेना है और आपने देखना है कि वो ए के इक्वल आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह आपने बी भी चेक करना है। 1.2 भी हमारे साथ कंप्लीट होगी और पीछे आपके जितनी डेफिनेशन थी वो भी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं 1.3 के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।